ओके, जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है, ये जहनारा का कलेक्शन से लोन पर, और इसकी एक दो फॉल्ट्स हैं जो मैं आपको जो है दिखलाना चाहती हूँ, ताकि इन फॉल्ट्स को हम कैसे दूर करेंगे। जनरली मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद मॉडलिंग करके दिखाऊं, लेकिन जब फॉल्ट्स ज़ाहिर हों तो फिर उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसका बड़ा मसला है, ये ट्राउज़र जो है अगर आप देखें तो इसकी सीम जो है वो अंदर की तरफ फुल हो रही है, जैसे इसकी हंगिंग होनी चाहिए वो ये सीम जो है ये बाहर की तरह आनी चाहिए, लेकिन जब थोड़ा सा हैवी आदमी हो तो उस पर ये जो है ना ठीक नहीं लग रहा। तो वो बाकी जो इसकी दूसरी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है यहाँ गले के नज़दीक। तो ये जो सीम्स हैं ये थोड़ी सी आगे की तरफ, और इसकी वजह से यहाँ कमीज़ की जो है थोड़ी फिटिंग का मसला आ रहा है। तो ये मैं एक दो प्रॉब्लम थी जो आपको आइंदा जो सिलाई करेंगे उसमें मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ, लेकिन ओवरऑल ये सूट जो है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सूट, ये मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि ये है हमारा इसका रेंज, जहनारा का रेंज, और एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कॉटन सूट्स, दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, इफ दिस ट्राउजर वॉज सोन परफेक्टली देन आई वुड नॉट पार्ट फ्रॉम दिस। आई मीन यू नो व्हेन द मॉडल्स वेयर देम, they tend to keep their legs obviously in one place, but in general wearing, if I was wearing this, the way it pulls, I feel very uncomfortable. Now what I have to do to this trouser is I have to amend it so that the hanging is a little bit more. इसकी प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा, इसकी जो शेप है, बिकॉज इट्स अ वाइड लेग ट्राउजर इट शुड हैंग लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड, इफ इट हैंग्स लाइक दिस देन इट्स राइट, बट बिकॉज when you let go of it it falls and it shouldn't, that shouldn't happen. The cut should be that the trouser should hang like this, and if the trouser hung like this then no matter how big you are you will carry it off. So even a person like me, an average size or a heavier size you could say, will be able to carry it off. Like, you know, apart from that, I absolutely absolutely love this suit. I did choose it for myself. Just look at the dupatta, it's just beyond beautiful. Honestly, it is absolutely gorgeous, and for that price, I think they're a giveaway. A £40 a suit. You know what? You cannot get a suit like this here in the UK at this price. We can get them stitched like this. I paid 3,500 rupees to get this stitched, but I wanted it doing perfect. But unfortunately, they went and ruined it with the trouser. I think I should have opted to go and have a tighter trouser made. So what I'm gonna do now with this one is I'm gonna unpick it and I'm going to amend it so that it's more of a straight leg trouser. And actually, I promised my daughter-in-law she can have it because she's a little bit shorter than me. She'll be able to carry it off, even though as difficult as it is to part with this suit, because it is absolutely, absolutely gorgeous. अच्छा, दूसरी इस प्रॉब्लम, इस सूट की प्रॉब्लम मैं आपको बताती जाऊँ। जब कोई आदमी हैवियर होता है, यहाँ जो है ये चेस्ट पर पुल हो रहा है, और यहाँ से इसको मुझे बार बार खींच कर जो है ना अपनी जगह पर लाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको बार बार इसको जो है ना, ये अगर देखें ना तो ये थोड़ा सा यहाँ इसकी स्टमक पर लिफ्ट हो रहा है, तो इसको ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि जब ये पहने तो इसको बार बार पीछे से खींच कर जो है ना इसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए, इसको इसकी अपनी फॉल होनी चाहिए। सो ये जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम निकालेंगे यही इस्तेमाल करके नाप। ये सिर्फ सिलाई और सिलाई में फ़र्क है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है शोल्डर में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करें। सो हम इसी ही ट्राउज़र को यूज़ करेंगे और इसी पर ही हम इसको काटेंगे, यही टेम्पलेट के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसकी जो छोटी फॉल्ट्स हैं उनको निकाल कर एक दूसरी ट्राउज़र काटेंगे। तो इसमें सबसे अव्वल तो जो है हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा कम है, सो इसके ऊपर जो है हमें बेल्ट और पोंचो के ठेनिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम लेते हैं अपनी टेप मेजर, अपना चौक, और इसकी शुरुआत करते हैं कटिंग की। और कटिंग की शुरुआत मैं इस तरह से करूँगी, ठीक है? जो फ्रंट लेग है वो पहले काटते हैं, और उसका सिर्फ निशान लगाऊंगी, फिर इसको ओपन करूँगी, क्योंकि यहाँ जो है दो ट्राउज़र लेग्स के लिए मुमकिन नहीं है। इसकी थोड़ी सी ट्राउज़र की इनसाइड सीम जो है वो कम है,
सो इसका पहला जो मसाइल है उसका ये है कि ये जो इनसाइड सीम है, इनसाइड लेग है, ये होनी चाहिए कम से कम 27. सो सबसे पहले तो ये इसकी जो इनसाइड लेग सीम है ये इन्होंने कम रखी है. सो पहले हम इसको दूर करेंगे. सो हमने ये हमारा हाफ टर्निंग है कपड़े का, ठीक है. और कपड़े के हाफ टर्निंग पर ही, क्योंकि बेल्ट के ऊपर हम लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, सो सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे करके इसकी करते हैं कटिंग. ठीक है, हम यही यही हम इस्तेमाल करेंगे. सिर्फ जो क्रच है उसको थोड़ा लंबा करेंगे. सो बूट लेग की तरह ही हम काटेंगे इसको, लेकिन इनसाइड लेग जो है इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाएंगे और फिर यहाँ जो है इसकी क्रच की कटिंग मार्किंग करेंगे, ठीक है. दूसरा है आउटसाइड लेग. आउटसाइड लेग यहाँ से हमने इसको टाइट करना है, सो नीचे से लेकर ऊपर की तरह, एंड देन यहाँ थोड़ी सी कटिंग करके इसको वाइड करना है. नाउ ये जो है मैंने रफली मेजर की है, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगी. आई वॉन्ट अ नाइस वाइड लेग ट्राउजर, और इसके फिर मैं आपको मेजरमेंट्स बताती हूँ. तो ये है हमारी आउटसाइड लेग सी, और इसको हम कर्व करके यहाँ से निकालेंगे. अच्छा, इसके मेजरमेंट्स हैं, ये कपड़ा डबल फोल्ड हुआ है, यहाँ से इसका कपड़े का अर्ज है, ये इसकी विड्थ जो है, ये तकरीबन जो मैं काट रही हूँ यह है साइज 16. सो इसका ये 14.5 क्रच की विड्थ पर मैंने रखा है, ठीक है. इसका जो क्रच है ये इधर मजीद थोड़ा सा कपड़ा डालूंगी क्योंकि ये कपड़ा मेरा कम है. दूसरी इसकी इनसाइड लेग है वो अभी 29 शो रही है, हो रही है, लेकिन ये 28 असल में थोड़ा सा ज्यादा है, मेरा हाथ थोड़ा कम करूंगी, 28 रखूंगी ताकि ये रेडी जो है कम से कम 27 रह जाए. फिर नीचे जाएं अगर, तो इसको मैंने थोड़ा सा टाइट किया है जैसा नी लेंथ पर. सो 16 इंचेस फ्रॉम द टॉप से लेकर, ये 16 नहीं, अगर आपका कपड़ा मजीद हो तो ये तकरीबन होगा 18 इंचेस. 18 इंचेस से नीचे जो है इसको मैंने थोड़ी सी शेप दी है, यहाँ से टाइट कर दिया, इसको 12 इंच रख दिया, और फिर इसी लाइन को मजीद एक्स्ट्रा बाहर लेकर चली गई, और जो इसका पोंचा होगा वो मैं रखूँगी 14 इंचेस. सो ये जो है थोड़ी सी कटिंग करती हूँ, और ये सिंगल कटिंग करूंगी, ये यानी 2 पीसेस की कटिंग करूंगी, सिंगल नहीं 2 पीसेस की, ठीक है. ये दोनों फ्रंट लेग्स हैं, ठीक है. ये सो ये 2 पीसेस मैं पकड़ती हूँ, इन 2 पीसेस को मैं काटूंगी और इसको थोड़ी सी शेप दूंगी इस पर नी पर, और फिर जैसा नीचे जाती हूँ तो इसको मजीद वाइड करती जाऊंगी. सो सिर्फ यही कपड़ा काटा है बस, और फिर ऐसा ही जो है फ्रंट के 2 पीसेस क्रच के अंदर के तरफ, तो उनको थोड़ी सी शेप देकर यहाँ से काट कर ये थोड़ी सी तब्दीली लाने में आप देखेंगे कि क्या फर्क आएगा. अभी जाएंगे बैक की तरफ. तो ये जो नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये है फ्रंट लेग जो ऑलरेडी हमने काटा है, तो बैक के लिए इसी को इस्तेमाल करेंगे. और नीचे से लेकर जो इसका पॉइंट है, नी लेंथ का पॉइंट है, वो यहाँ यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे नी के ऊपर जाते हैं तो इसको काफ़ी जो है ना इसमें मजीद इजाफा करके इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, और फिर इसके ऊपर जो है काफ़ी कपड़ा डालेंगे ताकि इसकी जो बक का क्रच हो उसका मजीद जो है ना इजाफा हो जाए. सो ये जो है इसका मैं थोड़ी सी और तब्दीली थोड़ी सी करूँगी, इसको शेप दूंगी, ठीक है, और इसको शेप ऐसे देकर. सो अब हम, और मैं इसका मेजरमेंट्स जैसे काटती हूँ मैं आपको मेजरमेंट्स भी इसका बता देती हूँ कि इसका मेजरमेंट्स मैंने क्या रखे हैं. नॉर्मली जब मैं कटिंग करती हूँ तो साथ साथ जो है ना मेरी नज़र में जो आता है कि इसका ये करना है, तो वो मैं थोड़ी सी तब्दीली कर देती हूँ.
अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ की एक्स्ट्रा हमने चेंजिंग की है ताकि इसका जो फ्रंट है और इसकी हैंगिंग सही आए। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसका डेप्थ मैंने कितना बढ़ाया है। इसके साथ साथ ये दोनों पर जो है ना पीस आएंगे। पहले तो हम लगाते हैं इसके बैक पर पीस, तो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हम यहाँ रखेंगे और इसका इसकी कटिंग करके इसको मजीद जो है ना शेप देंगे। अभी ये हो गई जो है ना इसकी ये हो गई क्रच, सो ये पीस यहाँ लगकर इसकी क्रच बन जाएगी और इसको काट कर ये एक्स्ट्रा पीस है जो इसके साथ लगाकर इसको इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं। अब ये कपड़ा कम था, अगर आपका कपड़ा कम ना हो, कपड़ा पूरा हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल पीस में इसको काटें। यह था इसका फ्रंट। अब यह लगेगा यहाँ से, तो हमने थोड़ा सा इजाफा करके यहाँ तक आगे का भी जो है ना हमने बढ़ाना है, तो उसके लिए हम इसी को ही रखते हैं। यह पीस लगेगा फ्रंट क्रच के साथ, बिल्कुल मामूली सी जो है ये चेंजेस हैं, लेकिन ये चेंजेस लाजम हैं अगर आपको हैंगिंग जो है वो सही चाहिए। तो ये ट्राउजर जब मैं बना लूंगी तो मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कि इसमें फर्क क्या है। सो ये है इसका बक का क्रच, और फिर अगर देखें तो इसकी जो है ना इनसाइड लेग और ये जो बक बटक एरिया है इसको हमने मजीद बढ़ा दिया है। अच्छा, ये है इसका फ्रंट क्रच, ठीक है, और ये अभी छोटा है। सो इसके साथ जो है ये पीस जुड़ेगा ऐसे और ये बढ़कर जो है इतना हो जाएगा। सो अगर फ्रंट क्रच को देखें तो मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि उसका मेजरमेंट क्या है और जो बक है उसका क्या है। सो और ये टोटल क्रच का एरिया जो है ये कितना है। सो अगर हम फ्रंट का नापें तो ये है हमारा 12 इंचेस अभी, तो इसको मजीद हम इंच एंड हाफ टर्निंग भी करेंगे तो ये सिर्फ 8 एंड हाफ रह जाएगा। जो इसका बैक का है तो वो है 18 इंचेस, इसको जब हम टर्निंग करेंगे तो ये रह जाएगा 16 इंचेस। सो बैक पर 16 इंचेस है, फ्रंट पर 8 एंड हाफ इंचेस है। ये हो गया आपका क्रच। इसकी इनसाइड लेग जो है वो होगी 29 इंच, ये हम 28 और 27 एंड हाफ रेडी रखेंगे। जो हमारी रेडी जो ट्राउजर दर्जियों ने सिलाई की है उन्होंने इसका फ्रंट इसका जो क्रच है उसको उन्होंने बहुत इनसाइड लेग सॉरी जो है वो उन्होंने बहुत कम रखी है, जिसकी वजह से भी इसकी ट्राउजर में खींच आ रही है। ठीक है, ये 24 एंड हाफ इन्होंने रखी है। जो इसकी फ्रंट क्रच है उसका डेप्थ इन्होंने रखा है यह है 12 एंड हाफ इंचेस। हम इससे मजीद तकरीबन 9 इंचेस बस सिर्फ रेडी छोड़ेंगे। अच्छा, इसका जो बक का क्रच है इसमें डेप्थ नहीं है, जिसकी वजह से ट्राउजर को खींच लग रही है। सो इसका जो है उन्होंने रखा है 15 एंड हाफ इंचेस। लंबाई इसकी ठीक है लेकिन इसकी डेप्थ ना होने की वजह से, जो डेप्थ हमने दी है यहाँ यह डेप्थ इन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से ट्राउजर को खींच लगकर जो है इनसाइड की तरफ फुल हो रही है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सिलाइयों को लगाकर इसको मुकम्मल कर लेना है दोनों को, फिर एक लेग सीम उसकी और एक लेग सीम इसकी और एक लेग सीम जो अंदर की तरफ है उसकी और एक उसकी, दोनों को साथ रखकर इनकी स्ट्रेट सिलाई लगानी है। जैसे वो कर लिया तो पौंचों के नीचे जो है पौंचा छोटा आ रहा है, इसके नीचे हम मजीद दो पीस काटेंगे जो के पौंचे के नीचे डालने हैं, वो भी हम अभी काट लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो ये होगा हमारे पौंचों के। So because wide leg bootleg type of trouser hai, this is one of my favorite trousers from the days when I was growing up. So this is the back 80s style that's come back. I actually quite enjoyed the drain pipe type of trousers. So ye hoga
हमारा इसके नीचे जो लगाए लगाया जाएगा पोंचो के नीचे, एंड दैट इज द मुकम्मल ट्राउजर कटिंग ऑफ अ बूट लेग और अ वाइड लेग ड्रेन पाइप टाइप ऑफ ट्राउजर्स। इसका रिजल्ट मैं आपको शो करूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, फिर आप दोनों ट्राउजर का कंपैरिजन देखकर बताना कि कौन सी जो है शेप आपको पसंद है और कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ट्राउजर की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब पहनी हो तो कोई देखे, और उसकी फुल वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, बॉडी के साथ उसको रहना चाहिए। सो ये रही आप हमारी ट्राउजर, नेक्स्ट हम काटेंगे इसी के साथ जो है जो कमीज है। ओके, सो कमीज की सिलाई के लिए हम सबसे पहले जो है ये था, इसकी सीम्स हुई थी तो इसको हमने उनसे उन पिक करके सीम्स को अलग कर लिया है, और फिर इसको थोड़ी सी शेप दी है यहाँ, और इसको वापस इसके साथ जो है अब सिलाई करेंगे। तो अब इसको इसके साथ सिलाई करके इसको प्रेस करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ छोटा सा डार्ट डालूंगी और फिर इसकी शोल्डर वगैरह की कटिंग करके इसकी नेक लाइन बनाऊंगी। सो सबसे पहले क्या है कि इसको शेप देने के बाद इसकी दोबारे जो है सिलाई लगाकर इसको यहाँ जो चेस्ट पॉइंट पर है यहाँ डार्ट दूंगी, ताकि कमीज जो है ना थोड़ी खुद ब खुद जो है उठाई जाए और उसकी फॉल जो है अच्छी तरह से आए। ये मैं आपको इस कमीज जो मैंने पहनी हुई है ये देखें ये कैसी फॉल हो रही है, इसको जो है ना मजीद खींचने की इधर उधर की जरूरत नहीं है। तो कमीज ऐसी ही होनी चाहिए, जाहिर है इसका कपड़ा भी ऐसा है, ये हमारी अभी का सूट है सो कपड़े में भी होती है लचक, लेकिन ये कॉटन है इसका तो मजीद हमने एक्स्ट्रा फिटिंग ऐसी करनी है ताकि इसकी खुद ब खुद फिटिंग आए। ठीक है, सो अब इसकी सिलाई लगाते हैं और उसके बाद इसको प्रेस करके ओवरलॉक करके इसका नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। अच्छा, सो इसकी जो है सिलाई लगाकर इसको प्रेस करके सेट कर लिया है, और इसको हाफ करके अब इसी को ही हम रख कर इसी के हाफ के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। फिटिंग जो है वो तकरीबन रफली इसी के साथ ही करनी है, इसका नेक लाइन इसी की शेप फॉलो करके हमने इसी की कटिंग करनी है। थोड़ा सा मजीद बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसके शोल्डर आर्म होल, और फिर इसको शेप देनी, और यही इसकी हम शेप बनाएंगे। आप आउटर लाइन भी है हमारी कमीज की, इसको थोड़ा सा अब ऑलरेडी इसकी शेप जो है वो नुमाइंदा होने लगी है। कमीज की कटिंग थोड़ी सी थोड़ी बिल्कुल हल्की सी इसको डीपर करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमने बक का लेना है, यह है बैक का पीस और बैक के पीस को नाउ ये काटी हुई है ऐसी तरह। सो हमारे पास चॉइस है कि या तो दोनों को आडा रखें या फिर पिछला जो है उसको सीधे के रुख पर करें, मुझे पसंद होगा मैं इसको सीधे के रुख पर करूँ, है तो एक एक तरफ का होगा और दूसरा दूसरी तरफ का, लेकिन
नाउ इनमें थोड़ा सा कपड़ा कम है बाजू के लिए, इसके साथ जो है हमें जो सलवार से थोड़ा बहुत बचा हुआ पीस है वो शायद लगाकर जो है ना सलवार का करना पड़े, फिटिंग करनी पड़े। अच्छा यहाँ हम नेक लाइन काटते हैं, शोल्डर की कटिंग, आर्म होल और कमीज की फिटिंग। बाजू बाजू में छोटा सा पीस डालना पड़ेगा और जो लेस हमने उतारी थी इसके लिए, बाजू वैसे छोटा भी आ रहा है और थोड़ा तंग भी आ रहा है। सो इवन दो के फ्रंट दामन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज में यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा पिछले हिस्से का। पीस तलाश करनी पड़ेगी जो निकले थे। अच्छा ये था इसका, और इसी को ही हम लगाएंगे बाजू के आगे, और इधर जो है बाजू में पीस लगाना पड़ेगा उसके लिए। मेरे पीसेस शॉर्ट पड़ गए हैं। इसको काट कर इसके पीसेस निकालने पड़ेंगे। यहाँ इतना पीस जो है थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें शायद कि कुछ पीसेस बचे थे, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या किया उनके साथ। कुछ भी जाया ना होने दे, बिन में पड़े थे, बिन से निकाल लें और इन पीसेस को जो है यहाँ बाजू के साथ लगाना पड़ेगा। सो ये पीसेस जोड़कर इनको सिलाई लगाकर और लॉक करके रेडी करेंगे। इसके सामने जो है ये पीस लगाएंगे, इसको भी जो है ये दो पीसेस जोड़कर इसको थोड़ा सा करेंगे ताकि ये इसके नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये थोड़ी सी इरिटेटिंग है, ताकि इसकी इरिटेशन ना हो। और फिर गले के लिए जो है, गले के लिए हम रेड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गले के लिए हमें चाहिए रेड इस्तेमाल करेंगे, जो के साथ अगर नज़र भी आए तो उसमें क्या होगा कि उसमें इसकी थोड़ी सी, या तो हम ऑरेंज इस्तेमाल कर सकते हैं या रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली रेड ऑलरेडी है, हम इसके साथ ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स फाइंड एन ऑरेंज पीस। आई जस्ट सॉ अ सिल्क पीस इन ऑरेंज जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो। Look.
हम इस्तेमाल करेंगे। सो नेक लाइन के लिए यह सिल्क की तैयार की है और इसको जो है ओवरलॉक वगैरह करके रेडी करके इसके साथ हम पिन करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है सिलाई करके इसको मुकम्मल कर लेंगे। सो इसको अपनी जगह पिन कर लें पहले। इसको अभी ऐसा रख कर रेड के साथ साथ जो है ना इसकी सिलाई लगानी है और फिर इसको नॉच करके इसकी टर्निंग करके इसको जो है ना काट देना है। सो आई एम गोना जस्ट शो यू टू पोर्शंस ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राउजर एंड हाउ यू वुड गो अबाउट फिनिशिंग दिस ट्राउजर ऑफ। ओके सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टिच्ड द लेग, आई हैव एडेड द पीस टू द बॉटम ऑफ इट एंड आई हैव प्रेस्ड इट एंड द सीम्स ऑफ द इनसाइड लेग इज मैचिंग हियर इन द क्रच एंड देन इट्स जस्ट वन राउंड सीम दैट वी आर गोइंग टू डू इन द एंड। सो यहां से इसकी नीचे जो है पीस लगाकर ऊपर भी जो पीस था वो भी लगाकर इसकी सीमिंग की है। यह है इसकी इनसाइड लेग जिसको मुकम्मल करके प्रेस करके इसको यहाँ जो क्रच के पार्ट्स हैं जो मीट अप हो रहे हैं इनको हमने बराबर करके काट लेना है और फिर इसी के ऊपर ही जैसे एक लेग को प्रेस किया है ऐसा ही दूसरी लेग को भी प्रेस किया है और यहाँ से शुरू करेंगे जो खर्च की सीम है और जैसे राउंड जाकर फिनिशिंग कर लेंगे और बस उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ है इसका बेल्ट डालना। सो ये शेप से भी पता चल रहा है और इंशाल्लाह इसको मैं पेन कर दिखाऊंगी कि इसकी क्रच में कोई पुल वगैरह नहीं होगा। सो ये रही ट्राउज़र, जो कमीज़ है उसकी भी सिलाई वगैरह मुकम्मल की है, पीस वगैरह दामन पर बॉर्डर वगैरह लगा कर प्लेट्स वगैरह डालकर बाजू लगा लिए हैं और अब इसकी फाइनल जो फिटिंग की सिलाई है। तो फिटिंग की सिलाई के लिए यह हुआ इसका नेक लाइन, बाजू वगैरह अटैच कर लिए हैं और इसकी सिर्फ यहाँ जो है थोड़ा सा डार्ट डाला है और इसको हम रखेंगे ऐसा उल्टा और फिर इस पर जो है निशान लगाएंगे चेस्ट वेस्ट और हिप्स के, ठीक है। और हिप्स इनका जो है मैं अपने मेज से लगाऊंगी बजाय इसके कि कोई जो दूसरा है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। सो यहाँ मैं अपना ही मेजरमेंट्स लेकर चेस्ट वगैरह का तो इसकी फ्रंट जो है वो मुझे बिल्कुल तकरीबन एंड पर एंड चाहिए, ठीक है। इसको जो है ना मैं ज़्यादा रखूँगी, ज़्यादा जो है ना इस नहीं करूँगी और फिर वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो लूँगी और यहाँ आ गया वेस्ट का और फिर हिप्स का। सो ये ऑलमोस्ट एंड पर एंड आ रहा है, ज़्यादा इसमें मज़ीद नहीं छोड़ेंगे। सो ये है इसके फिटिंग के मार्क्स, ऐसी ही सिलाई करके हम इसकी फिटिंग करेंगे। सो यहाँ अब बाजू का थोड़ा सा एक्सेस छोड़ा है क्योंकि यहाँ जो एजेस थे इनको मज़ीद जो इसके साथ नहीं रखना चाहती थी क्योंकि ये इरिटेटिंग है। अच्छा, अब इसकी एक जो बात है वो है बाइसेप की कि मुझे जो है यहाँ से बहुत खुली जो है ना वो नहीं पसंद, तो बाइसेप का पर इसकी मैं थोड़ी सी फिटिंग करूँगी। उसके लिए मैं अपना बाइसेप का मेजरमेंट ले लेती हूँ। सो बाइसेप का मेजरमेंट्स लें और ये है 13 inches। सो यहाँ पर हमने रखनी है इसको 7.5 और आगे से जाकर थोड़ा खुला करूँगी और यहाँ इसकी आकर जो है ना ऐसे गोलाई करूँगी, इसको शेप दूँगी।
और ऐसा ही फिर दूसरी तरफ भी। इससे मजीद जो चाख के निशान हैं वो दोनों तरफ लगा लेते हैं ताकि final seams. So we're gonna do a quick demonstration of what this suit has turned out like. I tell you, this suit is just amazing. When you see me wearing this suit, you are going to go crazy, and I think I'm gonna have to buy these in 100, because these suits are just so pretty, and the sewing has come out so well. I love the style of this pant, and I think you're going to agree with me. When you see me wearing this, you will know the difference between a rightly sewn pant and a wrong sewn pant. This is the perfectly stitched what shall we call it, drainpipe pants, or it's not a palazzo, but it's a wide legged trouser, and perfect for a summer look. Okay, the dress has come out amazing. There you are, that's the amazing kurti, and it looks absolutely smashing. I quickly tried it on just for fitting. The only thing that I can find fault in this suit, and I'm going to make you aware of it, is the embroidery is not 100%. Okay, the odd thread here and there does become loose, but for the price that you're paying, honestly, it's a giveaway suit. This suit is just absolutely amazing. I'm just hopeful that he has got plenty in stock, because I will be ordering a lot, and I can already sense so many people going crazy for this and ordering as soon as this goes online. My phone has been buzzing away. You'd often hear it in the video as well, and that's because people are asking so many questions, and all I've done is basically just been on the phone. I've spent so much day on the phone that I've hardly had a chance to do any of the stitching, because I was hopeful I was going to do this. In a way, I'm glad, because now I'm going to follow the same style, and I'm going to do this in the same style as well. Initially, I was thinking of doing this into a salwar kameez. I don't know, maybe we'll still do a salwar kameez. That's undecided. But this suit, I can't wait to show it to you. Anyway, keep watching. Make sure you watch the video, make sure you give it thumbs up, and I want to hear lots and lots of comments from you, because I tell you, you can hear that in my voice, how pleased I am with the result of this. It's like a half a day's effort, and I'm so chuffed. Alhamdulillah, you know what, the top tailors, I've just gone and dished them. I've tested tailors in Karachi, my top tailors in Westridge, I've gone and, I don't know, I've given them a mouthful, because after wearing the trouser, I was so disappointed, and I've had them done from Jhelum. I've had it done, and this is from the top houses, House of Anarkali, and they've done a trouser, and I was just not happy. And then my excellent tailors didn't live up to my expectations, and then top tailors that I paid a fortune in Karachi didn't live to my expectation when it comes to making the trouser. It's so simple, how can anybody go wrong? Honestly, I have taught people from all across the world how to do a trouser, and these stupid tailors do not follow the method. That's all they need to do. Follow my video and do it the way I do it, and you'll get it perfect. And that'll be a problem solved. Alhamdulillah. I'm so grateful. Allah Ta'ala has blessed me with this, you know, ability to excites me. And I'm so happy to share it with you guys. So make sure you follow the video for cutting the trouser exactly as I've done. If you're a larger size, obviously increase it even more. The wider you have the crutch, the back crutch, the wider you have this back crutch, the shorter you have the front crutch, the better fall you'll have. Now, if you look on this, that's the front crutch, and that's about 18.5 inches. The back crutch is 16.5 inches, and it's a lot deeper. So I hope that will help you guys to perfect a trouser, and it's, you know, it's such an easy thing to do, yet so many people get it wrong.
And I have come across, the shararas, they were a complete disappointment. Some of the trousers, straight pants, straight thin cigarette pants, they're okay because there's no twist in them or there's no extra fabric. But when you've got wide leg trousers like these, to get the good hanging, you need the perfect cutting for the crotch. So anyway, that's about it. I will go and change into this and I will demonstrate what this suit looks like. Assalamualaikum. So I am about to show you the result of this suit. It's a very, very cheap suit, but it's absolutely, absolutely, absolutely gorgeous. The color, the combination, and the making. This is how a trouser should look, okay? There's no pull on it. And it hangs absolutely, absolutely beautiful. You can tell I don't have to keep pulling the dress to make it seem, like you can tell on my shoulders. You can tell on my, maybe, this just isn't pulling on the stomach, and it's, and I've shown exactly how to make this. A very, very simple and easy way to make the trouser. And now this is the way designer suits should be made, and unfortunately the tailors keep getting it wrong. And we, alhamdulillah, to make a cheap suit like this look like this, I think, what would a designer suit do? You know what, I'm no model and I'm not a small size. I am a quite a large size, but just look at the result of this. It looks so stunning. I'll tell you, I am absolutely blown away by this suit. I think I am going to have to order these in so many of these, and the fabric is so comfortable. There is a slight bit of a downfall, and I'm going to show you what that downfall is as well. The embroidery does pull slightly, the thread is slightly loose. That's the only downfall on this suit, but apart from that, you can tell it is absolutely gorgeous. The dupatta, I just love the dupatta. Just look at the finishing on it. It comes with all the lace, everything. So honestly, I am absolutely, I would suggest everyone to order a suit like this for summer and to stitch it like this. Just follow the tutorial and you will do it in a day. You know what? It's no hassle. It's easy to sew. For a very large size, you might have a difficulty with the fabric because I think up to a size 16 you will manage and you will make it. The only other thing that I would suggest, if you are determined to get a suit like this and want it desperately, then what you can do is maybe perhaps add lace sleeves. That might be an alternative, or to get a little bit extra. If you go to the bazaar or somewhere, just buy a little bit of extra fabric so that you can top the trouser. Now I'm just going to slightly lift and just show you that there's no pull on the legs. And these type of trousers, you know what, even if you were to make a trouser like this and wear it with a t-shirt, I'm telling you, you would carry it off. Because even the fitting around the waist and the hip lines, I don't feel like, I don't think it's right for me to lift my dress that high. But if you were wearing this with a t-shirt, you'll still carry it off because the cutting on this trouser is just, I'll give you a preview from the back as well. I can just feel it, when there's a pull, I was conscious. I mean, I had quite an expensive suit the other day, one of the ones that I was wearing, and even with that, I was so conscious. Here, you can see the split on the legs. You can see between the legs that there's no, pull on the inside leg. I mean, I'm purposely trying to take my leg away so that you can tell that there's no pull. Absolutely love the pant. I think, to be honest, I think this should be the fashion for summer. Because they're wide and they're airy and they're loose and so comfortable. So no tight pajamas, no tight trousers, only the loose, flary, baggy trousers, plazos, other ones, shararas. They're all ideal for summer, and that's what I would suggest. Anyway, I love the look of this. I think I am going to be styling quite a few like this. So keep on watching. I shall join you again soon.